नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रघुवंश क्लासेस के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, जैसे कि हम लोग अपने यूपीएससी या फिर अदर काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारे पॉइंट्स को हम फटाफट समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में एक्चुअली ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, और इसमें हम लोग देखेंगे जो फूड के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। फूड क्या होता है, व्हाटएवर वी ईट डेली इज कॉल्ड आर फूड। जो भी हम लोग रेगुलर खाते हैं उसे हम लोग अपना फूड बोलते हैं। तो एक्चुअली फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ कॉम्पोनेंट्स इन अ फूड आइटम्स इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड आइटम्स में उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं कंपोनेंट्स जो भी फूड आइटम्स में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। अब यहाँ पर आपके मन में आता हो कि कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, लाइक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि विटामिंस हो गए, ठीक है, विटामिंस हो गए, कार्ब्स हो गया यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं सारी की सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं जो कि हम फूड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट का, एक न्यूट्रिएंट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्ब्स की बात करें हम लोग तो कार्ब्स का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। और जो फैट्स होता है, लाइक फैट्स जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे वसा। ठीक है, जो फैट्स होते हैं ये भी हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस नाउ, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हम सेम अमाउंट में, ठीक है, अगर हम सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स भी लेते हैं, ठीक है, और इसी अमाउंट में अगर हम लोग फैट्स भी लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड करेगा सेम अमाउंट में इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर हम उतना ही कार्बोहाइड्रेट लें, मान लेते हैं हम लोग दो यूनिट ले रहे हैं कार्ब्स, ठीक है, और अगर हम दो ही यूनिट फैट्स भी लें तो ज़्यादा एनर्जी हमें कौन देगा, तो फैट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि फैट्स जो है ये ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू कार्ब्स। हम देखते हैं कि जो कार्ब्स होते हैं मेनली तीन, मैंने बताया अभी, एक्चुअली विटामिंस को अगर छोड़ दें तो मेनली तीन तरह के जो होते हैं कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बॉडी को जो इसकी ज़रूरत होती है। तो कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए। ये तीनों जो होते हैं एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एज वेल एज विटामिंस। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर मैं कार्ब्स की बात करूं, कार्ब्स हमें कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें व्हीट से मिलता है, राइस से मिलता है, पोटैटो से, शुगर केन से, मेलन, मैंगो, मेज, स्वीट पोटैटो, पपाया, बाजरा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं इन गुड अमाउंट, तो क्या प्रोवाइड करती हैं, कार्ब्स प्रोवाइड करती हैं। सारी की सारी चीज़ें हमें कार्ब्स प्रोवाइड करती हैं इन गुड अमाउंट, मतलब अच्छे खासे अमाउंट में। वहीं अगर मैं फैट्स की बात करूं तो ग्राउंड नट्स या फिर नट्स हो गए, ठीक है, तिल ऑयल आपने देखा होगा, तिल का जो तेल होता है, मीट हो गया, कोई भी मीट, फिश हो गया, एग्स हो गए, मिल्क, बटर, घी, कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं एक्चुअली फैट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, फैट प्रोवाइड करती हैं। अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमें मिल्क से, शुगर केन से, एग से, बीन्स, फिश, तुअर दाल, मीट, मूंग, चीज़, पीज एंड ग्राम, ये सारी चीज़ें हमें क्या प्रोवाइड करेंगी, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं इन गुड अमाउंट। ये सारे सोर्सेज हैं जिसे कि हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जो हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं उस डाइट में हमें शामिल करना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ये सारी क्या हैं, सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं एक्चुअली फूड के जो कि हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है बाइक में,
उसी तरह हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे बॉडी के लिए किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइक प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मसल गेन करने के लिए, ठीक है, मसल्स गेन करना है अगर आपको, ठीक है, बॉडी आपको बिल्ड करना है अपना, तो उसके लिए प्रोटीन हमें ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। प्रोटीन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और प्रोटीन्स को ही हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, अगर विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ठीक है, विटामिन्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसकी डेफिशिएंसी से एक्चुअली क्या क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो जो विटामिन्स हैं हमें किससे प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीजेज से, बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन्स की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर caused by deficiency of vitamins or minerals। vitamins जो हैं या minerals जिसे हम लोग nutrients भी बोलते हैं actually, उसकी कमी से किस किस तरह की deficiency, उसकी deficiency से किस किस तरह की diseases, disorders हो सकते हैं human को। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ vitamin और mineral का, उसके बाद है deficiency से होने वाले disease या disorder और उसके क्या symptoms हैं, उसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, सो विटामिन ए की कमी से हमें लॉस ऑफ विज़न होता है। लॉस ऑफ विज़न का मतलब होता है इसका जो सिम्टम है वो क्या है, पुअर विज़न होना यानी नज़रें कमज़ोर हो जाना, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, कभी कभी अंधेरे में नहीं दिखाई देना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी वन की कमी से हमें बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है, जिसमें होता क्या है, वीक मसल्स यानी कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हमारे बॉडी को बहुत कम एनर्जी मिलता है काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब होता है हमारे जो गम्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, उससे ब्लीडिंग होता है, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और हमारे बॉडी में अगर कहीं पे बाउंड्स होते हैं, कहीं पर जख्म होता है कोई, तो बहुत ही लंबा समय ले लेता है और ठीक होने में। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है हमारा सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे लोगों में भी सन का साइन है, इसलिए जो सनलाइट होता है, सनलाइट जो होता है एक्चुअली वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन डी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे कि जो बोन्स होते हैं हमारे स्ट्रांग होते हैं, बोन्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और एक्चुअली बोन्स स्ट्रांग होने में कैल्शियम का भी एक अहम यू नो लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। सो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है और बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और इससे होता क्या है, हमारे जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग मिनरल्स की बात कर लेते हैं, तो मिनरल्स में आ जाता है कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। अगर इसकी कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो बोन्स एंड टूथ डिके। बोन्स एंड टूथ डिके का मतलब दांत टूटना, ठीक है, या फिर हड्डी में कमजोरी आना, या फिर इसको बोलते हैं लोग बोन ज़्यादा जर्जर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लाइक कमज़ोर होने लगता है, इसको हम लोग कैल्शियम की कमी से ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे बोन्स पे पड़ता है। ठीक है, कमज़ोर बोन्स या फिर टूथ डिके, दांत टूटना, मतलब कि उखड़ना नहीं लाइक टूटना। आयोडीन की बात करें तो इसकी कमी से हमें गोइटर नाम की बीमारी होती है। व्हाट इज़ गोइटर, तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो एक्चुअली आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की बीमारी होती है, जिसमें ग्लैंड्स जो होता है हमारे हमारी जो गर्दन होती है बहुत ही ज़्यादा फूल जाती है कभी कभी, और बच्चों में कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। आयरन की बात करें, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया जिसमें कि हमें वीकनेस, कमज़ोरी फील होता है। ठीक है, उसका सिम्टम क्या है, कमज़ोरी फील होना, अगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लग रहा है किसी को, दैट मीन्स उसे आयरन की कमी है उसके बॉडी में, उसे एनीमिया नाम का डिफिशियंसी या फिर डिजीज हो गया है। ठीक है, सो फाइनली ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि चैप्टर टू में हमें देखने को मिला, और इसी से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, और कुछ ज़्यादा उसमें पढ़ने लायक था नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थ्री को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें। ठीक है, और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर, एक्चुअली टेलीग्राम चैनल को जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से कि आप वीडियो का पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।